hi this is franca from making आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एकिन के YouTube चैनल पे सो so, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो फर्स्टली प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आर वीडियोस। सो आज इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो ये है कि एकन कैमरे के थ्रू हम लाइव स्ट्रीमिंग कैसे कर सकते हैं सो so, लाइव स्ट्रीमिंग का जैसे ही वर्ड यूज होता है काफी सारे कॉम्पोनेंट्स काफी सारे जो डिवाइसेस है वो हमारे दिमाग में आते हैं जैसे कि कैमरा हो गया आपका एक डेस्कटॉप हो गया कैप्चर कार्ड हो गया काफी सारी केबल्स एसेसरीज हो गई इन सभी को इंटीग्रेट करने के बाद हमारी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट होती है बट हम कह रहे हैं कि इन सारे डिवाइसेस का हमें यहाँ पे यूज नहीं लेना है जब आप एकिन का कैमरा यूज करते हो फॉर लाइव स्ट्रीमिंग सो बेसिकली जो कैमरा हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं उसमें ना तो आपको कोई कैप्चर कार्ड की रिक्वायरमेंट है ना ही कोई सिस्टम डेस्कटॉप की हमें रिक्वायरमेंट है हम डायरेक्टली इस कैमरे के थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं ऑन एनी प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब एंड फेसबुक तो सबसे पहले हम एक आउटर व्यू देख लेते हैं कैमरे का कि किस तरीके से ये कैमरा आपको दिखता है सो आप देख सकते हैं बेसिकली दिस इज एकिन कैमरा फॉर लाइव स्ट्रीमिंग ये इसका फ्रंट व्यू आता है सो so बेसिकली ये एक पीटी सेट कैमरा है जिसके रिमोट के हेल्प से आप इसको पैन टिल्ट जूम प्रीसेट ये सारे फंक्शनैलिटी है जो आपको इस कैमरे के अंदर मिलेंगे बाकी अगर हम इसके इंटरफेसेस की बात करें तो आप देख सकते हैं ये सारे इसके इंटरफेसेस हैं इसकी डिटेल जानकारी के लिए इंटरफ़ेसेस के बारे में मैं करना मिस्टर जगदीश फ्रॉम आई टीम सो वुड लाइक टू और ये अभी आपको सारे इंटरफेसेस की डिटेल जानकारी देंगे कि किस तरीके से हम इन पोर्ट्स को यूज करते हुए क्या क्या इनके एडवांटेजेस है और हम इसको लाइव स्ट्रीम कैसे कर सकते हैं सो प्लीज टू बी कंटिन्यू हाई आई एम जगदीश एंड वेरी ट्रूली सेट कि जब भी लाइव स्ट्रीमिंग की बात आती है तो दिमाग में बहुत सारे हार्डवेयर components दिमाग में आते हैं कि किस तरह से आ, कितना हार्डवेयर लेना पड़ेगा हमको क्या क्या configuration करना पड़ेगा और बहुत सारे टिपिकल चीज़ें होंगी जो हमको करनी पड़ेगी बट Akin कैमरे के साथ में यहाँ पर आपको ये जितने भी कॉम्प्लीकेशन आपको नज़र आ रहे हैं वो सब कॉम्प्लीकेशन हट जाते हैं दूर हो जाते हैं किस तरह से हम लोग ईजी वे में लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं विद इन फाइव मिनट्स आप कॉन्फिगर करके और कैमरे के थ्रू आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं सो अर्यर साइड प्रियंका मैम की इसमें हार्डवेयर कितना जरूरत है सो so, यहाँ पे कैमरा एंड माइक्रोफोन राइट वन कैमरा एंड वन माइक्रोफोन यू नेटेड फॉर लाइव स्ट्रीमिंग तो यहाँ पे कैमरे के बैक इंटरफेस की बात करते हैं यहाँ पे देखिए पावर पोर्ट है पावर प्लग इन करना है लैन कनेक्टिविटी देनी है फॉर इंटरनेट एक्सेस जिसके थ्रू लाइव स्ट्रीम होना स्टार्ट होगा एस डी एम आई पोर्ट है फॉर सेल्फ व्यू किस तरह से आप कंटेंट डिलीवर कर पा रहे हैं वीडियो किस तरह से जा पा रहे हैं सो so, सामने स्क्रीन लगा के यहाँ पे उसका व्यू देख सकते हैं ऑडियो इनपुट पोर्ट है थ्री पॉइंट फाइव एम एम जैक है इसके थ्रू आप ऑडियो इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर एंड आपका हो सो आइए देखते हैं कि किस तरह से आपको कॉन्फिगर करना है इसके अंदर वेब पेज कैसा दिखता है क्या क्या कॉन्फिग्रेशन uh, पार्ट रहेंगे इसके अंदर सो so, एक बार वो देख लेते हैं ओके okay. सो so, ये इंटरफेस है जो आप देख रहे हैं कैमरे का जो होम पेज है आपको यहां देख रहे हैं सो so, सबसे पहले आपको यहां पे होम पेज प्रीव्यू पेज दिखता है जहां से आप इसको देख सकते हैं प्रीव्यू, से आप लेफ्ट राइट अप डाउन राइट जूम जूम इन out ये सब चीजें कर सकते हैं हम आते हैं कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में सो so सबसे पहले इनिशियली जब आप फर्स्ट टाइम कैमरा एक्सेस करते हैं सो so आपको इसका जो डिफॉल्ट आईपी है डिफॉल्ट आई पी वन नाइन टू डॉट वन सिक्स एट डॉट फाइव डॉट वन सिक्स थ्री होता है इसका डिफॉल्ट आई पी सो सेम सीरीज का आई पी आपको कंप्यूटर या डेस्कटॉप के अंदर देना है एंड उस आई पी को एक्सेस करना है इसके बाद में जो भी आपका नेटवर्क सीरीज है उसके अंदर उस आई पी को चेंज करना है आप नेटवर्क कॉन्फिग्रेशन में आके इथर में आप यहाँ पे उसका आई पी एड्रेस सबनेट मास्क डिफॉल्ट गेट वे चेंज कर सकते हैं देन उसके बाद में आपको डी एन एस की जरूरत है ये सब चीजें करने के बाद आपका जब एक्सेस इंटरनेट एक्सेस हो गया उसके बाद में आपको यहाँ पे स्ट्रीम पब्लिश में आना है और अगर आपको यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करना है तो यहाँ पे आर टी एम पी सेलेक्ट करना है देन होस्ट एड्रेस जो आपको यहां से मिल जाता है ओके okay. तो ये स्ट्रीम यूआरएल आपको कॉपी करना है एंड अगेन यहाँ पे आपको होस्ट एड्रेस के अंदर पेस्ट करना है उसके बाद होस्ट पोर्ट 1935 एंड स्ट्रीम नेम में आपको यहाँ पे स्ट्रीम की जो है वो कॉपी करनी है कॉपी एंड यहाँ पे आपको पेस्ट कर देनी है पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सेव करेंगे सेव करते ही आपका यहाँ पे लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे कैमरे का जो लाइव व्यू है यहाँ पे स्टार्ट हो गया है इसका रेजुलेशन यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम वन जीरो एट जीरो पी फुल एच डी आपका यहाँ पे रेजुलेशन आ रहा है सो इट इज सो इजी टू कॉन्फिगर कितना इजी है मतलब इन टू थ्री मिनट्स आप इसको कॉन्फिगर करके लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर सकते हैं